नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके PTET एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला है, काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, 1885 में। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल काटी जाती है ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर। अगला है, लाल त्रिकोण या लाल त्रिभुज का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, परिवार कल्याण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? ऑप्शन बी, कलकत्ता या कोलकाता। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन ए, शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं? ऑप्शन बी, हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? तो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। कौन देता है? महान्यायवादी। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं? ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ पर। एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन ए, बाकी के तीन सही हो जाएंगे। लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है, रक्त में लौह की मात्रा अधिक हो जाती है, शरीर पीला दिखाई देने लगता है। बुद्ध का ज्ञानोदय कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी, बोध गया। कहाँ पर हुआ था? बोध गया। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? ऑप्शन डी, रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए, हरियर एवं बुक्का। भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो ऑप्शन डी, 10 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है? ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन डी, लोकसभा सदस्यों द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन डी, 42वें। वर्ष 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, किसने लिखी थी? तो MS विश्वेश्वरैया। राजकोषीय नीति संबद्ध है? तो लोक राजस्व एवं व्यय से। समुद्र की गहराई मापने और जल के अंदर पहाड़ियां, घाटियां, पनडुब्बियां, हिमशैलों तथा डूबे जहाज़ों की स्थिति
निश्चित करने में प्रयुक्त की जा रही तकनीक कौन सी है? तो ऑप्शन सी सोनार। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन डी जीवाणु के कारण। भारत का प्रथम समाचार पत्र था? बंगाल गजट, बंगाल गजट। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय खालिस्तान में अवस्थित है? तो जेनेवा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेपोलियन। अब करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर शासकों की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन बी भीनमाल। क्या था? भीनमाल। अंग्रेजी प्रणाली से शिक्षा की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ व कब प्रारंभ की गई थी? तो अजमेर में 1819। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी जाति प्रथा एवं छुआछूत के विरोधी रहे हैं और उन्होंने इस सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया था? ऑप्शन बी कबीरपंथी संप्रदाय। अगला है क्वेश्चन, तात्या टोपे और कर्नल होम्स के मध्य युद्ध राजस्थान के किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन बी सीकर। राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है? ऑप्शन बी बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात। मेवाड़ और मारवाड़ में पहनी जाने वाली पगड़ी में मुख्य भेद क्या है? ऑप्शन ए मारवाड़ की पगड़ी मेवाड़ की अपेक्षा आकार में बड़ी और ऊंची होती है। सागड़ी प्रथा में घरेलू दास पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मालिक जैसे राजा, सेठ, जमींदार आदि के यहाँ आजीवन आमुक्त दशा में रहते हुए काम करते हैं। इस प्रथा का एक नाम और भी है। ऑप्शन सी हाली प्रथा। कौन सी है? हाली प्रथा। 1629 ईस्वी में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अमानवीय मानते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जनजाति बाहुल बांगड़ क्षेत्र में जो पारंपरिक लोक बाग प्रचलित है उनमें सैनाई सरीखा बाग विभास्वप की खास पहचान बना हुआ है, उसका नाम क्या है? तो हरणाई। क्या है? हरणाई। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटकाकर करते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जंतर। राजस्थान के किस शहर में कचरे से बिजली बनाने के लिए 102 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन बी कोटा। राजस्थान में नाली किसे कहा गया है? तो घग्गर नदी के तल को कहा गया है नाली। भीलवाड़ा जिला किस नदी के तट पर बसा है? तो ऑप्शन बी कोठरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ऑप्शन ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में आती हैं? ऑप्शन ए श्री गंगा नगर। कहां पर आती हैं? श्री गंगा नगर। राजस्थान के किस भाग में ऊंचाई के साथ वनस्पति के स्वरूप में ऊंचाई कटिबंधता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। माही बजाज सागर परियोजना का विस्तार किन राज्यों के मध्य हुआ है? तो राजस्थान एवं गुजरात। माही बजाज सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1983। राजस्थान की स्थापत्य कला में क्या दिखाई देता है? ऑप्शन बी शौर्य और सुरक्षा की भावना
अधिक दिखाई देती है। तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अजय देव ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणाओं का सदैव से ईष्ट देवता का स्थान है, तो ऑप्शन डी एकलिंग नाथ जी। राजस्थान में वह मंदिर कौन सा है जिसमें हजारों चूहे भ्रमण करते हैं? तो ऑप्शन डी करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर। राज्य के किस जिले में रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन सी बांसवाड़ा। राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में निवास करता है? ऑप्शन बी कोटा। राजस्थान में जनजातियों के विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण कुरीति को दूर करने में प्राथमिकता देना आवश्यक है? ऑप्शन सी अंधविश्वासों को समाप्त करना। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ था? तो ये था ऑप्शन ए विराटनगर, विराटनगर जयपुर। अगला है बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? ऑप्शन बी उदयपुर। सहकारी क्षेत्र में कपास परिसर की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए कोटा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए कल्हाड़। राजस्थान का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम अकबर के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे? तो ऑप्शन ए भारमल। ग्राम सहयोग नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? राम नारायण चौधरी ने, राम नारायण चौधरी। अगला है नए मकान में प्रवेश से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है तथा सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है, यह प्रथा राजस्थान में क्या कहलाती है? ऑप्शन सी नांगल। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी उन्हें कहा जाता है बरी। नमक सत्याग्रह आंदोलन में राजस्थान का प्रथम डिक्टेटर किसे बनाया गया था? ऑप्शन बी हरिभाऊ उपाध्याय। जालौर जिले का नृत्य है? ऑप्शन डी ये सभी, लुम्बार, ढोल और बासा घोड़ी। वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है तो ये होता है अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। कोयले से संबंधित कापोर्डी क्षेत्र जहां उत्तम किस्म के लिग्नाइट का पता लगा है, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा बाड़मेर। राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है, तो कांकरोली, कांकरोली। भरतपुर में स्थापित जनपद का क्या नाम था? तो राजन्य, क्या था? राजन्य। राजस्थान की रहने वाली जातियों के रीति रिवाज मुख्यतः किससे प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन डी वैदिक परंपराओं से। रूपायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया वह थी? तो इनमें से कोई नहीं, वैसे वो थी रानी हाडा। किस किले में 9 महल हैं? तो नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है जयपुर में बनाए जाते हैं।
निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर किया जाता है? ऑप्शन डी पाने। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सेना को पराजित किया? ऑप्शन डी आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह। जयपुर राज्य के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन बी झाड़शाही सिक्के कहलाते थे। निम्न में से किन के मध्य चंपारण की संधि हुई थी? ऑप्शन बी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली मेवाड़ के किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह प्रथम। सुमेलित करना है कोट के माध्यम से। ऑप्शन ए पहला है बड़धा, बड़धा का हो जाएगा स्थान जो बड़धा इसका समाचार पत्र हो जाएगा तरुण राजस्थान। फिर कोटा स्थान है इसका हो जाएगा राजस्थान केसरी। अजमेर का हो जाएगा नवीन राजस्थान। ब्यावर का हो जाएगा जय हिंद। नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन डी मुकाम। निम्नलिखित में से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अत्री कवि। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? ऑप्शन बी अर्जुन लाल सेठी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं? ऑप्शन सी अभिका नगर। निम्न में से किन दो जिलों में नदी नहीं है? तो ऑप्शन सी बीकानेर एवं चुरू। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन ए डूंगरपुर। मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी जिप्सम। निम्न में से किन स्थानों पर लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा? वे स्थान है कापोर्डी, जालीपा एवं बरसिंगसर। निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है सही है? तो ऑप्शन ए तिलवाड़ा का जो पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ का जो मेला लगता है पशु मेला, ये तिलवाड़ा में लगता है। और जाखम किसकी सहायक नदी है? माही। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।